हेलो स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल्स कौन सा है? ऐसा कौन सा जीव है जो सजीव भी है और निर्जीव भी है, एकदम भूत की तरह, कि रात में दिखने लगे, रात में जान निकल जाए और दिन में गायब हो जाए। बहुत सारे रोग क्रिएट करता है। जितना छोटा है उतना ही खतरनाक है, उतना ही डेंजरस है, पूरी तबाही मचा के रखी है। आज उसकी खोज के ऊपर, उसके डिजीज के ऊपर, उसके नॉलेज जो कह सकते हैं उसके बारे में, कैसे कैसे उसकी क्या क्या इंफॉर्मेशन है, हम लोग उन समस्त इंफॉर्मेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और मेरा दावा है कि आप छोटी सी पॉइंट में इन समस्त चीजों को क्लियर कर लेंगे। ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत सारे एग्जाम में, आपके लाइफ में, बहुत हर प्लेस पे काम आने वाली चीज है। आज के टॉपिक में हम लोग वायरस डिस्कशन करेंगे। ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों पार्टिकल्स है, अर्थात ये जीवित भी है और निर्जीव भी, एकदम जादुई तरीके से। तो वायरस की खोज के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। वायरस जो होता है अति सूक्ष्म होता है, सजीव भी होता है और निर्जीव भी होता है। लेकिन थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन समझ लीजिए, वायरस की खोज से पहले लगभग 19वीं शताब्दी के आसपास, यहां से टॉपिक को स्टडी करते हैं। अगर हम इसके ऊपर की बातें समझे तो आप जानते हैं अति सूक्ष्म पार्टिकल है, बहुत ही छोटा कण है, अविकल्पी परजीवी है। अविकल्पी का मतलब किसी एक जीव के ऊपर डिपेंड है, और उस जीव से, किसी लिविंग थिंग से अगर हट जाए तो यह निर्जीव अवस्था में आ जाता है। मतलब इसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है। तो जिसके पास केवल एक ही विकल्प हो, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं हो, तो अविकल्पी परजीवी कहते हैं। मतलब उसके पास भाई जीवने के लिए और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आते हैं 19वीं सदी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और ये पॉइंट एक स्टोरी की तरह, एक इमेज की तरह आपके दिमाग में सेटअप होगा, और ये स्टोरी और आपका ये जो बनने वाला इमेज है वो कभी स्किप नहीं हुआ, कभी भूलेगा नहीं। यह माना जाता है कि जितना आप बुक को पढ़ के नहीं समझ पाते हैं, उससे बेहतर आप देख के समझ पाते हैं। तो आइए थोड़ी सी स्टोरी, थोड़ी कहानियां समझते हैं, सुनते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत तक, लगभग उस समय सत्र चल रहा था 1676-77 आसपास, हॉलैंड के एक वैज्ञानिक थे, बहुत ही फेमस वैज्ञानिक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने अपनी खुद की एक सूक्ष्मदर्शी बनाई। सूक्ष्मदर्शी मतलब वही माइक्रोस्कोप बाबू, जिससे छोटे जीवों को, सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता है ना। अपनी सूक्ष्मदर्शी बनाई और एक बहुत बड़ा खुलासा किया। ये खुलासा क्या किया? कहा कि हमारे सिवा इस संसार में बहुत से ऐसे जीव पाए जाते हैं जिन्हें हम अपने नेकेड आई से, नंगी आंखों से देख नहीं सकते। उसके लिए उसे विशेष यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। और ऐसे जीवों को जिनको हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, उन्हें हम कहते हैं सूक्ष्म जीव। उसने दांत के अपने मैल में, जीव में, अपने लार्वा में, तालाब के पानी में, वायु में, आपके फ्रेश वाटर में, अपने भोजन में, सभी जगहों पे छोटे 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 जीवों को देखा। और उसने कहा कि ये समस्त जीव क्या हैं? बैक्टीरिया हैं। क्या कहा? बैक्टीरिया हैं। और एक बात और क्लियर कर लीजिए, तो बैक्टीरिया की खोज भी किसने की? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, अपने द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। अब चूंकि जीवों का छुपा संसार उसने बताया कि हमारे सिवा यार बहुत से संसार में ऐसे छोटे छोटे जीव हैं। अब इतनी बड़ी खोज के लिए, जीव तो छोटे छोटे थे बट खोज क्या थी? बहुत विशाल थी, बहुत बेहतरीन थी। तो इतनी बड़ी खोज के लिए हम इन्हें सूक्ष्म विज्ञान का पिता कहते हैं, अर्थात फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, अर्थात सूक्ष्म विज्ञान का पिता। अर्थात इन्होंने क्या किया कि समस्त जीवों में क्या देखा कि समस्त संसार में हर प्लेस पे छोटे छोटे न दिखने वाले जीव देख पाए गए, जहां पे जिसे हम किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप की सहायता से। और उसी समय बहुत बड़ा दावा किया गया, समझिए इस बात को, मैं वहीं से वायरस की शुरुआत कर रहा हूं। उसी समय यह दावा किया गया 19वीं शताब्दी के आसपास तक कि हमारे संसार का सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल बैक्टीरिया है। बहुत जल्दबाजी कर दिया मेरे हिसाब से कि 19वीं शताब्दी के आसपास जब जैसे ही सूक्ष्म विज्ञान था, तो सूक्ष्म जीवों की खोज होने लगी, तो बता दिया वैज्ञानिकों ने
कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपके पूरे यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग पार्टिकल कहलाता है बैक्टीरिया। और दूसरा दावा यह भी कर दिया गया कि समस्त रोग जो होते हैं वो बैक्टीरिया के कारण ही होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि भाई वायरस की खोज ही नहीं हुई थी उस समय। तो क्लियर कर दिया, दो फैक्ट एकदम सामने रख दिए गए वैज्ञानिकों के सामने कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द वर्ल्ड इज बैक्टीरिया, अर्थात हमारे संसार का सबसे छोटा जीव बैक्टीरिया है। और यह भी दावा कर दिया गया कि इसी से समस्त रोग होते हैं। बट समझिए इस बात को, लेकिन बहुत सारे डिजीज जैसे स्मॉल पॉक्स, जो पॉक्स वायरस, छोटी माता बड़ी माता, रेबीज, इसके अलावा डेंगू, उस समय डेंगू खोज नहीं हुई थी, ऐसे बहुत सारे रोग क्रिएट होने लगे जिसमें बैक्टीरिया कहीं दिख ही नहीं रहा था। तो आप समझिए, तो वैज्ञानिकों में शंकाएं उत्पन्न होने लगी कि यार बैक्टीरिया तो कहीं नहीं दिख रहा है इस रोग में। आप इस बात को समझिए। अब आते हैं बात वायरस की खोज के बारे में। 1892 में, कितने सत्र में, इस सत्र को याद रखिएगा भैया, ऐसे डेंजरस पार्टिकल की खोज हुई है कि भूलने वाली बात नहीं। 1892 में रूस के वैज्ञानिक जो थे, रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की। अब दो चीजें मैंने इस टॉपिक में क्लियर की कि एक तो बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की, वही वायरस की खोज इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक ने कब की, 1892 में। अब बात आती है कैसे की, इस बात को समझिए, यह भी एक स्टोरी है। स्टोरी मेरा मानना है कि आपका माइंड स्टोरी और इमेजेस को बहुत जल्दी कैप्चर करता है, पकड़ता है, है ना। अगर मैं ऐसे रटवा दूं तो कोई मतलब नहीं है। किसने की, इवानोवस्की ने, रूसी वैज्ञानिक थे, कब की, 1892 में। मैं यहीं से एक स्टोरी बताता हूं। उसके गार्डन में, अर्थात तो उसके खेत में, उसने तंबाकू का पौधा लगा रखा था। किसने, इवानोवस्की ने। बार बार आप उनका नाम लीजिए भाई, बहुत अच्छी खोज की है। बहुत सारी चीजों से आज रूबरू होना पड़ रहा है, तो इन्हीं कारण, इवानोवस्की कारण। इवानोवस्की ने अपने खेत में तंबाकू का पौधा लगा के रखा था और उसने देखा कि तंबाकू के पौधे पे काले काले धब्बे, बहुत सारे स्पॉट दिखने लगे एक पत्ती पे। उसने देखा एक पत्ती पे, देखिए एक पत्ती के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे काले काले धब्बे स्पॉट दिखने लगे, तो वो देख के चला गया, निगलेक्ट किया। ये स्टोरी है और एक कहानी है, ये डिस्कवरी भी है, उसी पूरी स्टोरी पे ही ये डिस्कवरी डिपेंड है। आप बस एक बार सुन लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे, पक्का है। तंबाकू का पौधा इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, टोबैको प्लांट। क्या कहते हैं, टोबैको प्लांट कहते हैं। मैंने यहां पे लिख रखा है टोबैको, अर्थात तंबाकू के पौधे पे क्या देखा उसने, एक पत्ती पे धब्बेदार काली काली संरचना देखी। वो छोड़ के चले गए, कोई दिक्कत नहीं भाई, हो जाओ। कुछ रोज बाद आए तो वो देखे कि वह एक लीफ से बहुत सारी लीफ पे फैल गया था, बहुत सारी पत्तियों पे फैल गया था। तो उनके दिमाग में, अर्थात किसके, इवानोवस्की के दिमाग में ये बात बैठी कि यार ट्रेवल, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन तो जीवित चीजें करती हैं, निर्जीव चीज तो कभी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती नहीं है। तो वह अपने थियोरी को, जो उनके दिमाग में सस्पेंस चल रहा था, उसको स्पष्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस रोगग्रस्त पत्ती को तोड़ लिया, जो ये वाली पत्ती थी रोगग्रस्त पत्ती, उसको तोड़ लिया और तोड़ने के बाद इसके रस को निचोड़कर एक स्वस्थ पत्ती पे लेप लगा दिया। मान लीजिए इस पे कोई स्पॉट, कोई दाग धब्बे नहीं थे इस पत्ती के ऊपर, तो उसने स्पष्ट होने के लिए, क्लियर करने के लिए ये इसके ऊपर लेप कर दिया कि भाई देखा जाए अगर इसमें कोई जीवित चीज है तो इसके ऊपर भी तो असर दिखाएगी, स्वस्थ पत्ती के ऊपर। और जब लेप लगा दिया तो दो दिन बाद उसने आके देखा और देखा कि ये जो स्वस्थ पत्ती थी एकदम इसी की तरह धब्बेदार और काली हो गई थी। तो इसके बाद ये क्लियर करने के लिए जब जांच पड़ताल उसने शुरू की इवानोवस्की ने, तो उस समय बहुत अच्छी बात थी, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप नाल और रस्का नामक वैज्ञानिक ने, यहां पर मैंने आपको मेंशन किया है कि 1934 में के आसपास इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई। लेकिन उसके पहले आपको बताएं, इवानोवस्की ने वायरस को कंफर्म कर दिया था कि वायरस जो होते हैं वह बैक्टीरिया से भी स्मॉलेस्ट होते हैं। जो लीफ, अर्थात टोबैको की लीफ, अर्थात तंबाकू के पत्ती पे जो रोग क्रिएट हुआ था, इसे उसने कहा टोबैको मोजैक डिजीज।
और इस वायरस और कहा कि ये जो ऐसा लिविंग थिंग्स है जो बैक्टीरिया से भी छोटा है और इस प्लांट के ऊपर डिजीज क्रिएट किया, मतलब रोग को उत्पन्न किया और उसको कहा ये स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है यह नाम दिया वायरस। क्या कहा? वायरस कहा। और इससे होने वाले रोग को कहा टोबैको मोज़ेक डिजीज, अर्थात तंबाकू में मोज़ेक रोग, और कारण बताया उस वायरस का नाम रखा टोबैको मोज़ेक वायरस। अर्थात ये लीफ के ऊपर जो वायरस दिख रहे थे वो यहां सबमिट कराए गए, एक रॉड की नुमा संरचना थी और जब उसको बेहतरीन ढंग से स्टडी की गई तो पता चला कि ये रॉड की नुमा जो संरचना है वो कुछ इस तरह की संरचना दिखाई दे रही है, अर्थात एकदम अंगूर के गुच्छे की तरह संरचना है और ये है टोबैको मोज़ेक वायरस। और इसी के कारण क्या हो रहा था, टोबैको में अर्थात तंबाकू की पत्ती में बहुत सारे काले काले धब्बे पड़ जा रहे थे, तंबाकू की पत्ती पूरी खराब हो जा रही थी। अर्थात क्लियर हुआ किसने किया? रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की ने। कौन से प्लांट पे? तंबाकू के पौधे पे। तंबाकू के पौधे का वैज्ञानिक नाम टोबैको प्लांट। और रोग कौन सा हुआ? तो बाबू रोग हुआ मोज़ेक, मोज़ेक रोग हुआ, अर्थात टोबैको मोज़ेक डिजीज रोग हुआ। और वायरस क्या नाम रखा गया? टोबैको मोज़ेक वायरस रखा गया। आई होप कि इतनी चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगी कहानी के माध्यम से। जब तक वायरस की खोज नहीं हुई थी तब तक बहुत भारी तबाही, अब जब तक इसकी खोज नहीं हुई तब तक वायरस किसी भी कस्बे में, किसी भी कबीले में जहां लोग वैसे रहते थे, जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे, अगर किसी एक पर्सन को हो जाता था तो पूरी की पूरी आबादी मर जाती थी। इक्का दुक्का लोग बचते थे जो वहां से भाग जाते थे अपना घर द्वार सब छोड़कर, अपना कबीला छोड़कर। तो जैसे जैसे वायरस की खोज स्टार्ट हुई उसके बाद क्या हुआ भाई साहब, आपको बताएं कि इसके बाद बहुत सारे प्रोग्रेस हुए। जब क्लियर हो गया कि भाई वायरस है, इसके बाद नाल एम रस्का नामक वैज्ञानिक ने 1934 में इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की जब खोज कर दी तो वायरस के ऊपर जो डिस्कवरी थी वो बहुत तीव्र हो गई और पता चलने लगा कि हमारे संसार में सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, बहुत सारी धारणाएं, दो धारणाएं बनी थी वो टूट गई। कौन सी? कि यह सूक्ष्म जीव, सबसे सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया है। तो माना गया कि नहीं भैया, हमारे संसार का सबसे सूक्ष्म जीव हमारा वायरस है और रोग समस्त रोग बैक्टीरिया से नहीं होते, वायरस से भी होते। तो ये क्लियर किया गया। अब थोड़ा सा सेंसिबिलिटी समझ लीजिए, इसके बारे में थोड़ा जान जाइए। जो हमारा वायरस होता है वह केवल दो प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, एक प्रोटीन होता है और दूसरा न्यूक्लिक अम्ल। उसमें भी न्यूक्लिक अम्ल में चाहे वायरस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए या आरएनए, अर्थात समस्त हमारी सेल में डीएनए आरएनए दोनों होता है, लेकिन वायरस में केवल चाहे तो डीएनए होगा चाहे तो आरएनए, अर्थात प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल अर्थात एसिड कह सकते हैं, एसिड। अब आपके दिमाग में अगर सर न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, तो न्यूक्लिक एसिड में आते हैं डीएनए और आरएनए, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए। तो क्या पूरा वायरस केवल दो ही चीजों से मिलकर बना होता है? हाँ, केवल दो चीजों से, उसमें भी केवल आरएनए हो सकता है चाहे केवल डीएनए। अब क्वेश्चन आता है कि जो तंबाकू का जो प्लांट था उसमें कौन सा वायरस था, कौन सा न्यूक्लिक अम्ल था? तो भाई वो था सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, अर्थात एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था पूरा। थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेते हैं, यहां से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। 1935 में W.M. स्टेनले, ये वैज्ञानिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, जितना आप इवानोवस्की को याद रखते हैं उतना W.M. स्टेनले को याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने TMB अर्थात टोबैको मोज़ेक वायरस, ये अर्थात तंबाकू की पत्ती वाला वायरस को निकाल कर उसने क्रिस्टल के रूप में स्टोर कर लिया और इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने कहा कि वायरस जो होता है सजीव भी होता है और निर्जीव भी होता है। सजीव कब होता है? जब वायरस कोशिका के अंदर पहुंचता है तो सजीव हो जाता है और कोशिका के बाहर होता है तो निर्जीव हो जाता है। तो निर्जीव अवस्था में इन्होंने
टोबैको मोज़ेक वायरस को प्लांट से निकालकर एक क्रिस्टल के रूप में स्टोर कर लिया। क्रिस्टल मतलब समझते हैं, जब कांच को पीस दीजिए तो वो बहुत बारीक हो जाता है, वो क्रिस्टल कहलाता है। कांच टूट जाता है छोटे छोटे पीसेस में, वो भी क्रिस्टल कहलाता है। तो क्रिस्टल के रूप में क्या किया इसने, स्टोर कर लिया। नाल एवं रस्का की बात बता दी है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की खोज की 1934 में, और इनके खोज के उपरांत वायरस के ऊपर जो डिस्कवरी थी बहुत बेहतर हो गई, जो नॉलेज था बहुत तीव्र हो गया, तीव्र गति से वायरस और उसके रोगों का पता चलने लगा। लास्ट जो वायरस का पूरा अध्ययन है वह विषाणु विज्ञान अर्थात वायरोलॉजी में किया जाता है, यह शाखा स्पेशल ढंग से बनाएगी। कुछ बातें बड़ी मजेदार, क्या कि वायरस जो होता है केवल डिजीज क्रिएट करता है, रोग उत्पन्न करता है, अति सूक्ष्म होता है, जब सेल के बाहर तो मर जाए, सेल के अंदर जाए तो जीवित हो जाए, गजब का गुण। ये विदाउट सेल के होते हैं, मतलब इनके अंदर कोई कोशिका नहीं होती है। तो आई होप कि मैंने इतनी जितनी चीजें आपको समझाई, आपको बताई, वो समस्त चीजें आपके दिमाग में एकदम स्टेप बाय स्टेप सेटअप हुई होंगी। अगर आप किसी चीज को इमेज के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से सुनते हैं तो लाइफ में मैक्सिमम पॉइंट्स क्लियर हो जाती हैं और वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में उसकी छाप पड़ जाती है। तो बेहतरीन ढंग से लगे रहिए वायरस के ऊपर, और दूसरे वीडियोस आपको अप्लाई कराए गए हैं, बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लाइफ को बेहतरीन बनाने की कोशिश करिए। बेस्ट ऑफ लक आपकी लाइफ के लिए, आपके स्माइल के लिए। थैंक यू सो मच।